महाराष्ट्र के सांगली जिले के वालवा गांव में एक घर में आज सुबह लगभग 10 बजे आग लग गई। घर में गैस सिलेंडर विस्फोट की वजह से आग लग गई। वालवा के बारबीघा इलाके में यह घटना घटी। विस्फोट के कारण आग में 24 घर नष्ट हो गए। आग में लगभग 50 लाख रुपयों का नुकसान हो गया है। उस समय घरों में कोई भी नहीं था। 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। हुतात्मा समूह उद्योग के नेता वैभव नायकवाड़ी ने घटना स्थल का दौरा किया। इसके अलावा हुतात्मा शुगर फैक्ट्री ने 5,000 रुपए की सहायता देने का वादा किया। इस समय घटना स्थल पर तहसीलदार रविंद्र सबनी सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी उपस्थित हैं। तहसीलदार ने कहा कि सरकार पीड़ित को जल्द से जल्द मदद करेगी।